यूनिक टॉपिक है, अगर टाइटल को जानते हैं तो कहने में खुशी आती है। भट्टी ऑन छुट्टी किस तरह की फिल्म है, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है टाइटल भट्टी ऑन छुट्टी सब कुछ कह देता है कि फिल्म कॉमेडी है, लेकिन इसमें कुछ प्लॉट्स में प्लॉट्स हैं, कुछ मिस्ट्री भी है और दो मिनट की सीरियसनेस भी है। और जिस फिल्म में भट्टी हो, बुश के पीछे हो, बच्चन साहब के पीछे हो, तो जरूरी है कि बड़ा क्रेजी कैरेक्टर हमने क्रिएट किया है। अब ये कितना पसंद आता है ऑडियंस को, ये रिलीज के बाद पता पड़ेगा। सेंसर बोर्ड ने भी दो नामों पर ऑब्जेक्शन उठाया था, उस बारे में जानना चाहेंगे कि क्या जॉर्ज बुश का कौन सा ऐसा यूनिक नाम की वजह से, किस वजह से आप लोगों को बीफ लगाने के कहा गया था? देखिए, जॉर्ज बुश के पीछे पड़ा हुआ है बीबी भट्टी, क्योंकि वो चाहता है कि जॉर्ज बुश को अपना पीस प्लान दे दे। ये अमन शांति चाहता है भट्टी पूरी दुनिया में, और वो बुश के पीछे पड़ा हुआ है। अब जाहिर है अगर बुश का नाम आता है तो मनमोहन सिंह जी का भी नाम आ सकता है। तो अब इन दोनों नामों पे प्रेस ने कहा, सेंसर ने कहा था कि भाई आप इन दोनों के नाम म्यूट कर दीजिए। अब म्यूट कर दीजिए तो अब आपको कुछ सुनाई दिया तो गूंगी फिल्म कैसे लगती, मेरे सीन समझ में कैसे आते हैं? तो फिर हम जो है रिवाइजिंग कमेटी के पास गए और उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छी तरह आपने ये दोनों नामों का इस्तेमाल किया है, चाहे मनमोहन सिंह जी का नाम हो चाहे जॉर्ज बुश का नाम हो। सो आई मीन दे वर फाइन विद इट। तो सर इसी वजह से फिल्म इतनी डिले हो गई, तो बहुत टाइम पहले बन चुकी थी और डिले हुई है, वेट था लोगों को इंतजार था, इसी वजह से हुआ? कुछ इस वजह से हुआ है डिले, और कुछ मेरा ख्याल है कई बार एक फिल्म के लिए जब मल्टीपल बायर्स आ जाए, एक के बाद एक बायर आए जो बेटर बिडर है, तो प्रोड्यूसर भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं भट्टी ऑन छुट्टी बेचूं किसको।